हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणपति के लिए सिंपल मेकअप लुक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि घर पे पूजा होती है या कभी कभी गेस्ट आ ही जाते हैं। ओके, सो तब हम सिंपल एंड एलिगेंट मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो मॉइस्चराइजर लगाने से पहले मैंने अपना फेस सिटाफिल क्लींजिंग जेल से क्लीन किया था। ओके, सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक वेट करना जरूरी है, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे प्राइमर लगाने के। मॉइस्चराइजर अब अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। मॉइस्चराइजर लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना मॉइस्चराइजर। आपकी स्किन ऑयली हो तो भी स्किप मत कीजिए। ओके, सो अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स एज पर योर स्किन टाइप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी ड्राई है तो ड्राई स्किन वाले, ऑयली है तो ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट, तो आपका मेकअप का बेस भी अच्छा होगा और मेकअप कभी भी फटेगा नहीं, यानी पैचेस नहीं आएंगे। ओके, फिर अगर लगा तो और लूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुक रखना है। सो ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से पानी में गीला करके लिया है और इतना निचोड़ना है कि उससे पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए बाहर। अब उससे हम डैब 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 मोशन में ब्लेंड करेंगे। ड्रैग कर देना इसे, तो फिर मेकअप खराब हो जाता है, जल्दी फटता है, पैचेस आते हैं, आप कुछ बोल सकते हो। ओके, तो उस वजह से आता है ये फाउंडेशन जाएगा। ऑलराइट, कान पे इतना नहीं लगाना है लेकिन लगाना है थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे कम लगा। लगाना भूल गई थी। फाउंडेशन अच्छे से हो गया है, इवन टोन हो गया, देखो स्किन इवन हो गई। अभी लगाएंगे कंसीलर। उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से टाटा टाक करके ब्लेंड करना। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा, इतनी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे ना ब्लैक ब्लैक बहुत दिखता है, इसलिए बेसिकली कंसीलर वहां पे लगाना होता है। आपको जहां पे हाइड करना जरूरी है आपके फेस के, जहां जहां पैचेस होंगे, तो मुझे ये वाला हाइड करना पसंद नहीं है। ये दिखता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, दूसरों का पता नहीं। ओके, अगर आपको हाईलाइट करनी है तो आप और कंसीलर लगा सकते हो, लेकिन मुझे नेचुरल लुक रख। ओके, तो ये लगाऊंगी मैं ये। ओके, सो ये है पैक का ब्रश, PF 12 है, 12 नंबर का है। तो यहाँ का सिर्फ ये वाला लेना है पोर्शन। बनाना पाउडर है ये, जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था ना अभी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में डैब नहीं कर रही लेकिन कर रही हूँ। ओके, तो बेक नहीं करती मैं, हटा देती हूँ झट से। अभी ये मैं भी कैमरा में बहुत कम लग रही होगी आपको,
क्योंकि ये परफेक्ट मैच हो रहा है स्किन टोन को। ओके, इसको तुरंत हम ब्रश से कंसीलर लगाने के बाद अगर ये लगाए ना तो क्रीजेस नहीं आते। ओके, इसलिए पैक करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आईब्रो पेंसिल से पहले इसे कोम्ब करके लेनी है आईब्रो को, एंड देन एकदम हल्के हल्के स्ट्रोक्स देने हैं आईब्रो को एज पर द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर, एंड वैसे ही आईब्रो फिल करते जाना है। बिल्कुल फास्ट नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा लग गया तो बहुत वियर्ड लगता है, कम लग गया तो हम रिपीट कर सकते हैं ये। एंड यू कैन यूज़ ब्लैक कलर पेंसिल ऑल्सो, बट वो आप जितना भी हल्का चलाओ वो कलर बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ब्लैक नहीं यूज़ करती, डार्क ब्राउन अच्छा लगता है मुझे। एक बार आईब्रो फिल हो गए तो उसे वापस इसे कोम्ब करके लेना है। ओके, सो एक बार आईब्रोज फिल हो जाएंगे तो ऐसे आउटर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप ये स्टेप पहले भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। आई मेकअप के लिए मैंने ले लिया ये लिपस्टिक। ओके, सो ये मेरे पास ना एमवे का ये एटीट्यूड का लिपस्टिक पैलेट है, जो लिपस्टिक टेस्टर किट बोलते हैं उसको, बहुत पुराना है, उस पर कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, इसलिए नहीं दिखा। एमवे की है ये सारी लिपस्टिक टेस्टर किट से ये, तो अभी ये मैं लगाती हूँ एज अ बेस। क्यों ये? क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में है, मेरी लिड्स, मेरी स्किन ही बहुत ड्राई है और मेरे लिड्स तो इतने ड्राई होते हैं अगर मैं सीधा आई पैलेट यूज़ करूँगी ना तो बहुत वियर्ड दिखता है। सो मुझे ये पसंद है और मैं बहुत सिंपल रखती हूँ। लीड्स पे लगाऊंगी, क्रीज पे नहीं जाऊंगी अभी। तो मैंने ये नायका का ब्रश लिया है थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए, मैबेलिन का द न्यूज, मैबेलिन का आई शैडो पैलेट है ये कलर। वही कलर थोड़ा और लूंगी। ये वाला ग्लिटरी कलर, ये वाला यही कलर, इससे अब मैं फाइनल टचअप करूंगी। ज्यादा कलर यूज करने नहीं है मुझे, इसीलिए अभी यही जो बचा कुचा है वही थोड़ा सा नीचे चलाऊंगी। ओके, ये मेरा लिपस्टिक पैलेट में से ही है ये ब्रश, तो ये एंगुलर ब्रश लूंगी। ब्लैक आई शेडो लिया मैंने, आई लाइनर लगाऊंगा इससे। मुझे आई लाइनर पसंद नहीं है, लेकिन एक सिर्फ लुक देने के लिए आई शेडो से मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट इज VLCC का काजल। एक आई डन हो गई, अभी ये दूसरी वाली आई कर लेती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इज तो ये है मैबेलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा, जो मुझे मिला था फ्री, तब ऑफर चल रही थी। ओके, तो ये इसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा सुखाना है। ओके,
ये हो गया। अब नेक्स्ट है सब ब्लश के लिए मैं वही लिपस्टिक लूंगी जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी यहाँ। कॉन्ट्रोलिंग बाद में करूंगी क्योंकि ब्लश अगर मुझसे ज्यादा हो गया ना तो कॉन्ट्रोलिंग से वो एडजस्ट हो जाएगी इसलिए। यही ब्रश से जिससे पाउडर लगाई थी उसी ब्रश से कॉन्टोरिंग कर ली, तो मैं इतना ज्यादा कट क्रीज नहीं करती, सिर्फ इजी। ऐसे करने के बाद जो यहाँ से लाइन आई ना सिर्फ वहां पे करती हूँ। थोड़ा सा इसको ब्लश के साथ ही ब्लेंड कर देती हूँ, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए ना कलर पैच। सेम गोज़ फॉर द नोज़ का, बहुत आराम से करना है। उसके लिए ऐसे ब्रश पकड़ लीजिए, या तो ये जो आई शैडो पैलेट में आता है ये ब्रश से भी लगा सकते हैं, इससे उल्टा लाइन एकदम अच्छी से। इन्वेस्टमेंट इतनी भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए ब्रशेस में। ब्रश से ब्लेंड करना, इसको ज्यादा था इसलिए सिर्फ हार्श लाइन नहीं लिखनी चाहिए, उतने ब्लेंड करना है। और ये आई मेकअप को भी नहीं, ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो बहुत इजी भी हो जाता है मेकअप, और क्योंकि इससे ब्लेंडिंग सीरियसली बहुत आसान होती है। ये बहुत हल्का और बहुत सॉफ्ट है ये पैक का ब्रश। ब्यूटी ब्लेंडर भी मेरा पैक का ही है, PAC। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अभी हो गया अच्छे से कॉन्ट्रोलिंग। जॉ लाइन कॉन्ट्रोलिंग मैंने इतना नहीं किया जितना उस ब्रश पे बचा था उससे जॉ लाइन कॉन्ट्रोल कर दी। फोर हेड करती हूँ थोड़ा सा, ये और ये इतना ही कर, और वो ऊपर की तरफ भी so, ये है कलर बार की लिपस्टिक। इसको दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसी से पहले लाइनिंग भी कर लिया था मैंने, सिंदूर का कोई ब्रांड नहीं है इसलिए दिखा नहीं रही। ये शुगर का ग्रैंड फिनाले जूई सेटिंग मिस्ट। ऑफ कोर्स मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। ओके, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता होगा ना तो आप ईच एंड एवरी हर स्टेप के बाद
जैसे मेकअप फिक्सर लगाइए, ग्लो देखा कितना आता है मेकअप फिक्सर के बाद। ओके, अभी मैं फटाक से रेडी होके आपको लुक दिखाती हूँ एक बार। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक, मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपका अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारिका। थैंक यू।